स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 3 बताऊंगा जिसका नाम है प्लेइंग द गेम और इसके राइटर हैं आर्थर मी। और चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो में क्या कुछ कमी है या क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्रेवो, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। ब्रेवो, हम किसी को उत्साहित करते हैं तब कहते हैं, तो उत्साहित करने के लिए कहा गया एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ गेट तक आती है एलन को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। और चिल्ला के कहती है एलन गुड बाय और अपना बेहतर करो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। आई विल ट्राई मम्मी, एंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड। एलन ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा और अपना हाथ हिलाते हुए ही रैन आउट द गेट एंड अप द रोड। अपना हाथ हिलाते हुए वह गेट से बाहर चला गया सड़क पर। डू हिज बेस्ट, आपको सी वुड, अपना बेहतर करना है और निश्चित ही वह बेहतर करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। एलन को अपनी स्कूल मैच, स्कूल की तरफ से एक क्रिकेट मैच खेलना था, या एलन अपनी स्कूल की तरफ से एक क्रिकेट मैच खेल रहा था और उसे इस बात का बेहद गर्व था कि उसे चुना गया। माइटली प्राउड मतलब बेहद गर्वित महसूस करना। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स नाउ एंड डैडी सेड ही वॉज स्लीपिंग वेल। वो अपने पिता के साथ कुछ सप्ताह से गेंदबाजी का अभ्यास कर रहा था तो उसके पिता ने कहा था कि वह अच्छा कर रहा है, मतलब निखर रहा है, स्लीपिंग वेल मतलब निखरना। डैडी वॉज नियरली एस एक्साइटेड एस एलन ओवर द मैच एंड ही प्रॉमिस्ड दैट इफ एलन साइड ऑन ही वुड बाय हिम ए बाइसाइकिल। और जो पिता थे एलन के, वो भी मैच को लेके काफ़ी उत्साहित थे, रोमांचित थे, उतना ही जितना कि एलन। और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि अगर एलन की टीम जीतती है तो वह उसको एक साइकिल खरीद कर देंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एलन भी काफ़ी उत्साहित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड एलन हैड टू पास ए लिटिल 3-cornered मीडो एंड एस ही रीच्ड इट। और अपने रास्ते में, मतलब जो रास्ता उसके स्पोर्ट ग्राउंड तक जा रहा था, खेल के मैदान वाले रास्ते में, एलन को एक 3-cornered मीडो मतलब 3 होने वाले चारागाह से होके गुजरना था। एंड ही एस ही रीच्ड इट, और जैसे ही वह इस चारागाह में पहुंचा, ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत वृद्ध आदमी को देखा, लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, जो अपने छड़ी पर, अपने स्टिक पर पूरी तरह से लुढ़का हुआ था। लीन मतलब झुका हुआ, लीनिंग हैवली मतलब पूरी तरह से लुढ़का हुआ था, मतलब पूरा वजन उसका उसके छड़ी पे ही था। एस एलन पास्ड द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, जैसे ही एलन वहाँ से गुजरा उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको पुकारा, बुलाया। कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। और एलन उसके पास जाते हुए पूछा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रैक्ड वॉयस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। और उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही पतली और टूटी हुई आवाज़ में एलन से कहा, निवेदन किया कि एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, अपनी जो भुजा है उसको दो, मतलब अपनी बांह पकड़ा दो। ही सेड दिस रोड इज सो हिली एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी। और उसने कहा कि यह जो सड़क है काफ़ी ऊंचाई वाली है, मतलब पहाड़ी पे सड़क है, और जो हवा है वह भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन।
सलन ने कहा कि मुझे आपकी सहायता करके खुशी होगी, फॉर ही न्यू ही कुड ईजली मेक अप पार्ट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन। उसने सोचा कि वह आसानी से दौड़ के लौटते समय जब मतलब जब इस वृद्ध आदमी को छोड़ के लौटेगा तो दौड़ कर समय को पूरा कर लेगा, मतलब पहुँचाने में जो टाइम लगा है उसको लौटते समय दौड़ कर पूरा कर लेगा। बाई द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म एंड टॉटर्ड अलोंग लाइक ए बेबी। और उस वह बेचारा जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पूरी तरह से एलन के मजबूत छोटे बाहों पर लुढ़क गया और एक बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए चलने लगा। सो स्लोली डिड ही वॉक दैट 5 मिनट हैड गॉन बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड। अभी वे रास्ते में आधे रास्ते पे ही थे और वो इतना धीरे धीरे चल रहा था कि 5 मिनट तो ऐसे ही बीत गए। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम। एलन ने उसको समझाया, उस वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि वह एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था और वहाँ पे देर से उसे नहीं पहुँचना था, लेकिन उसने महसूस किया, उसने पाया कि उसने जो कुछ कहा है वृद्ध व्यक्ति ने उसको सुना ही नहीं। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। अंत में एलन ने उस वृद्ध व्यक्ति के कान में कहा या पूछा कि आप कहाँ रहते हैं श्रीमान। अप द रोड एंड सम अवे राउंड द कॉर्नर, वहाँ सड़क पर और थोड़ा सा कोने में घूमकर। ही एंसर्ड इन हिज थीन एंड वीक वॉइस, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने कमजोर और पतले आवाज में जवाब दिया। आई शुड बी सो मच ऑफ लाइट इफ यू कुड सी मी होम, मैं तुमसे बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा अगर तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम बहुत ही दयालु बच्चे लग रहे हो। सी हिम होम एंड दे वेयर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, घर तक छोड़ना है एंड दे वेयर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, और वे उनको एक लंबा रास्ता पार करना है, एक लंबा रास्ता है। इफ ओनली ही वुड वॉक ए लिटिल फास्टर, यदि वे थोड़ा तेज चल सकते। वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड एंड कैप्टन वुड बी वंडरिंग वाई ही डिड नॉट कम। क्या यहाँ पे एलन सोच रहा है कि जो टीमें हैं मैच खेलने के लिए वे तो मैदान पे आ चुकी होंगी और जो कप्तान है कैप्टन है उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर एलन क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, अचानक ही उस वृद्ध व्यक्ति लड़खड़ाया, स्टम्बल्ड में लड़खड़ाया ओवर ए लूज पेविंग स्टोन, मतलब जो स्टोन से रास्ता बनाया गया था उसमें एक स्टोन लूज था, थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, तो उस उखड़े हुए पत्थर से टकराने को लड़खड़ाया और एंड हैवली ऑन द ग्राउंड, और मैं उस जमीन पे उस स्थान पे बहुत तेजी से गिर पड़ा। डोंट लेट मी लिटिल बॉय, मर्मर्ड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति बड़बड़ाया कि मुझे छोड़ना मत बच्चे। नो आई विल स्टे हियर, सेड एलन एंड ही सेट डाउन बिसाइड हिम, फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड कम दैट वे सून। अब एलन ने कहा कि नहीं, मैं रहूँगा यहाँ पे, ठहरूँगा, रुकूँगा, और वह भी वहीं उसके बगल में बैठ गया और उसने महसूस किया, उसने सोचा कि निश्चित ही कोई ना कोई इस रास्ते पे जल्द ही आएगा। एलन स्टेयर्ड एंशियसली अप द एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड, और कुछ मिनट बीते, इस दौरान एलन ने बड़ी ही उत्सुकता से, एंशियसली मतलब होता है जिसमें अधीरता के साथ, उसने अधीरता के साथ रोड पर ऊपर नीचे देखा कुछ मिनट के दौरान,
जो उस समय बीता, द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम लाइक आवर्स, और ऐसा लग रहा था कि जो मिनट हैं वो घंटों के समान हैं। जब आदमी बेताबी से कुछ इंतज़ार करता है तो समय लगता है कि बहुत भारी हो गया है, धीरे धीरे बीत रहा है। देन एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर केम ए जॉली लुकिंग पुलिसमैन, और अंत में कोने पर एक खुशमिजाज पुलिसमैन दिखा। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, और एलन खुशी से चिल्ला पड़ा। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड, और वो पुलिसमैन जो पुलिस वाला था उसने जवाब दिया, उसने कहा कि छोटे बच्चे मैं इस सज्जन व्यक्ति को घर तक छोड़ दूंगा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब एलन ने सारी बात उस पुलिस वाले को बताई, पुलिस वाले ने ऐसा कहा, देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज लेग वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट ग्राउंड, और उसके बाद एलन दौड़ पड़ा, बल्कि उड़ पड़ा इतना तेजी से, जितना तेजी से वह कर सकता था, जितना तेजी से वो दौड़ सकता था अपने खेल के मैदान पर जाने के लिए। यहाँ लिखा है रैन ऑफ एंड फ्लू, दौड़ा और उड़ पड़ा, तो उड़ने का मतलब है कि अत्यधिक तेज से दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है खेल के मैदान पर तब तक गेम शुरू हो चुका होता है। व्हाई इट इज एलन, सेड द टीचर, वहाँ पे अध्यापक ने कहा कि ऐसा क्यों एलन, हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, कौन वहाँ पे एंट्रेंस पे प्रवेश द्वार पे खड़ा है, क्या यह एलन है, एक अध्यापक ने कहा। यू आर नॉट मच गुड इफ यू कैन कांट कम अप टू टाइम, अध्यापक ने आगे भी कहा कि तुम अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो अगर तुम समय से नहीं आते हो तो। वी हैव पुट ए यंग हेराल्ड बैंक इन योर प्लेस, हमने एक नौजवान हेराल्ड बैंक को तुम्हारे स्थान पे रखा है, मतलब एक हेराल्ड बैंक नाम का लड़का खेल रहा है। फॉर्चुनेटली ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और सौभाग्य की बात है कि वह कुछ अच्छी गेंदें फेंक रहा है, अच्छी गेंदें डाल रहा है ओवर में। एलन बिट हिज लिप, एलन ने अपने होंठ को काटा। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, और सोचा कि वह सब कुछ कैसे बताए, कैसे समझाए। ही टर्न्ड अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, वो घुमा और अपने घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। ब्रेवो एलन, ही सेड पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, और दरवाजा खोलते ही उन्होंने ब्रेवो कहा, शाबाशी दी, और इस कहने के साथ ही साथ उस छोटे लड़के के या छोटे पुत्र के पीठ पे थपथपाया शाबाशी के देने के लिए। बट डैडी, अब एलन कुछ कहना चाहता था, बिगेन एलन, एलन ने कहना चाहा कि लेकिन डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता ने कहने नहीं दिया। इट इज ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, उसने कहा कि बूढ़े व्यक्ति यह अच्छा है, और लड़के को ये बूढ़ा व्यक्ति इसलिए कहा है क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति से मतलब है समझदार व्यक्ति, तो एलन ने जो समझदारी का कार्य किया था उससे के कारण उसके पिता उसको ओल्ड मैन कह रहे हैं, मतलब समझदार कह रहे हैं। आई केम बिहाइंड दैट पुलिसमैन एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, यू सी आई केम अप बिहाइंड द पुलिसमैन, क्या तुम जानते हो कि मैं उस पुलिस वाले के पीछे आया था और उसने सारी बात बताया, जो कुछ हुआ था वो सारी बात मुझे पुलिस वाला बता चुका है। सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, तब मैं जाना कि तुम एक गेम, एक खेल खेल रहे हो, ये दूसरी बात है कि यह क्रिकेट के मैदान पर, क्रिकेट पिच पर नहीं था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस एंड बॉट द बाइसिकल आई प्रॉमिस्ड यू, इसलिए मैं वापस मार्केट में गया, बाजार में गया और एक साइकिल खरीदा जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। इट इज ए ब्यूटी एंड एलन वी आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई, यह एक सुंदरता है, यह अच्छी बात है, मैं और तुम्हारी माँ तुम पे गर्व करते हैं।
And in the classroom next morning, the boys gave Ellen 3 loud cheers, as only school boys can. और अगले दिन कक्षा में सुबह सुबह जो लड़के थे एलन को उत्साहित किए, हर्षोल्लास में उसका स्वागत किए, जो कि केवल स्कूली लड़के ही कर सकते हैं, फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन। और इस जो रहस्यमय घटना घटी थी उसके कारण कि वो एलन नहीं आया था, इस कारण से उसका हर्षोल्लास से स्वागत होता है। दे टू हैड लर्न आल अबाउट हिज काइंड एक्ट, और वे सब भी उसके इस दयालुतापूर्ण कार्य से सबक लिए थे, काफ़ी कुछ सीखे थे।